टेस्टी खाना बनाना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कढ़ाई पनीर की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलो फिर हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा कढ़ाई पनीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल शिमला मिर्च ले लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कलरफुल शिमला मिर्च होनी ही चाहिए, कोई एक कलर होगा तो भी चलेगा। फिर प्याज ले लिया है, दो मीडियम साइज़ के टमाटो ले लिए हैं, टमाटर, हरा धनिया ले लिया है यहाँ पे। फिर मसाले में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे है भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला और जीरा। फिर कसूरी मेथी, जिंजर गार्लिक, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, मिक्स किया है। और फिर यहाँ पे हींग, काजू, पनीर, तेल और नमक। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं कढ़ाई पनीर हमेशा तेल में प्रीफर करती हूँ बनाना, लेकिन इसकी जगह पे आप बटर या घी में बना सकते हैं। तो चलो अब हम पहला काम ये करते हैं कि सब्जियों को हमें बड़े बड़े चंक्स में, बड़े बड़े पीसेस में काट लेने हैं। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है, कुछ इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में मैंने काट करके रेडी कर लिया है। शिमला मिर्च यहाँ पे मिक्स कर दिया है मैंने काट के। फिर उसके बाद इतने बड़े बड़े ही पीसेस में मैंने प्याज को भी काटा है। यहाँ पे एकदम बारीक प्याज को काट के रखा है तड़का लगाने के लिए, और सिलांट्रो रखा है गार्निशिंग के लिए। फिर ये मेरी जितना भी मेरा अंदाज़ है, ये हम तीन लोगों के लिए बना रहे हैं ये सब्जी। और फिर यहाँ पे मैंने टमाटर भी काट के रख लिया है। अब इसका हमें ग्रेवी बनाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, आप प्याज की ग्रेवी भी बना के डाल सकते हो, लेकिन मैं हमेशा एकदम बारीक काट करके ही तड़का लगाती हूँ, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो अब चलो हम ग्रेवी बना लेते हैं टमाटर की। टमाटर को मैंने जार में डाल दिया है। अब इसी में एक टेबल स्पून मैं काजू डाल दूँगी। अब दोनों मैं एक साथ ही एकदम बारीक फाइन पेस्ट बना लूँगी, इसकी ग्रेवी बना लूँगी। हमारा ग्रेवी बन गया है, अब हम चलो सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है और आँच लगा दिया है। अब इसमें हम हाफ टी स्पून जितना तेल डाल देंगे बस। अब इसी तेल में हमने जो ये बड़े बड़े चंक्स में ये शिमला मिर्च और प्याज काटे थे, इसको हमें हल्का सा फ्राई करके निकाल लेना है। और ये हाई फ्लेम पे करना। कुछ इस तरह का हो जाए, बस इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, पकना नहीं चाहिए बिल्कुल, और एकदम हाई फ्लेम पे ही। अब इसको हमें फ्लेम को स्लो कर देना है। अब इसको हमें सारे सब्जियों को निकाल लेना है। कुछ इस तरह का पका हुआ है। अब हम सेम पैन में तेल डाल के मैं अब ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं उसका, सब्जी का। हम एक टेबल स्पून जितना हम इसमें तेल डाल देंगे बस। अब फ्लेम को हाई कर दिया। कढ़ाई मैं सेम ही यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने सब्जी को फ्राई किया। अब इसमें हमें क्या करना है, हाफ टी स्पून हमें जीरा डालना है और टू पिंच जितना हमें हींग डालना है तड़का। अब इसमें हमने जो बारीक एकदम प्याज काटा था वो डाल देंगे। अब इसको एकदम लाइट ब्राउन होने तक हम इसको कुक करेंगे प्याज को।
अब यहाँ पे हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम पे रख देते हैं। हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं फ्लेम को एकदम स्लो करके अब इसमें हमें मसाला डालना है। तो यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ, अराउंड हाफ टी स्पून जितना रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इसको अच्छे से हमें भुनना है। इसी के साथ हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देना है। हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे टमाटर का। अब इसको भी हमें अच्छी तरह से भुनना है जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। अब हमें आंच को हाई फ्लेम पे कर देना है। अब हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से भुन चुकी है, कढ़ाई को छोड़ने लगा है ग्रेवी, तेल भी सेपरेट हो गया है। अब टाइम आ गया है इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी को ऐड कर दिया। अब इसी के साथ हम इसमें जो सारी सब्जियां फ्राई करके निकाली थी ये भी हम ऐड कर देंगे, ये भी डाल दिया। और अब इसमें जाएगा पनीर। पनीर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसमें। अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना थिक चाहिए, कितना ग्रेवी चाहिए। आप चाहे तो इसी में बस खाली कुक कर दें और ड्राई बनाएं, या तो आप अगर मैं आपको ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा पानी और हम ऐड कर लेंगे। मैंने आधा ग्लास जितना पानी इसमें ऐड किया है क्योंकि मुझे एकदम ग्रेवी वाली नहीं चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा सूखा चाहिए, तो इसलिए मेरे लिए इतना पानी इनफ है। अब इसमें हमें क्या करना है, गरम मसाला थोड़ा सा, और इसी के साथ हम भुना हुआ जीरा जो लिए थे, जीरा पाउडर, वो इसमें डाल देंगे। इसको डालने से इसका जो खुशबू होता है, स्मेल जो होता है, काफ़ी अच्छा आता है। अब इसी के साथ हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालना। तो बस नमक डाल दिया, अब सब मिक्स करके हमें इसको कवर करके पकाना है। बीच बीच में हमें इसको चेक करते रहना है, और मैंने हाई फ्लेम पे ही इसको पका रही हूँ। हमारा सब्जी ऑलमोस्ट होने को आ गया है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको हैवी क्रीम जो होता है वो डाल सकते हो, और आपको अगर मैं डालना है दही भी फेंट के डाल सकते हो। मैं ये दोनों चीज़ें नहीं डालती हूँ कढ़ाई पनीर में, मैं ऐसे ही सादा सिंपल बनाती हूँ, और टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे भी। तो आप एक बार आप लोग बनाकर ज़रूर ट्राई करना, देखना बिना क्रीम या दही के कैसा लगता है। तो बस इसको हमें 2 मिनट और देना है बस। अब इसी के साथ हमें क्या करना है, कसूरी मेथी जो लिया था हमने, थोड़ा सा इसको रब करके ऐसे महीन टुकड़ा करके इसको डाल देना है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। अब मिक्स करके बस 1 मिनट के लिए हम कवर करके पका देंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं हमें ग्रेवी कितना चाहिए। बस मेरा सब्जी बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं इसको सुखाना है। तो आप अब इसी टाइम पे आप नमक टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलना। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी कढ़ाई पनीर बनके निकला है।
ये पनीर जो है मैंने घर पे बनाया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप सब चेक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम गार्निश कर देते हैं धनिया के पत्ते से। कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग भी कढ़ाई पनीर बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि मेरे जितने भी आने वाले रेसिपीज़ रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुंच सकते हैं। थैंक यू, बाय।